जय हिंद। मैं कॉर्पोरल अंजिता सिंह 19 यूपी गर्ल्स बटालियन की तरफ से आप सभी को कोरोना वायरस से संबंधित कुछ जानकारियां देना चाहती हूँ। कोरोना वायरस सिर्फ एक ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ हमारे शरीर को घात करे, पर सबसे पहले ये हमारे दिमाग को पकड़ने की कोशिश करती है। जैसे हमें लगता है हमें बुखार है, शायद ना भी हो, लेकिन हमने अपने दिमाग में ये स्थिति बना ली है कि हमें बुखार है, तो वो चीज़ें हमें जल्दी से जल्द इफेक्ट करती हैं। इसी तरीके से कोरोना वायरस भी है। हम लोग इतना इसके बारे में सुन चुके हैं और इतना ज़्यादा देख रहे हैं इस पूरी दुनिया में किस तरीके से फैला हुआ है, तो ज़रूरी है कि हमें पहले इस सोच को हटाना है कि हमें कोरोना वायरस है। जुकाम हो गया, छींक आ गई, चेकअप कराइए, पर इस तरीके से डरने और इसको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस सिर्फ एक बीमारी है और इससे हमें डरना नहीं, सुरक्षित रहना है, और ना ही सिर्फ सुरक्षित रहना है बल्कि दूसरों को सुरक्षित रखना भी है। तो कई तरीके के निर्णय जो सरकार ने लिए हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क लगाना हो गया, सैनिटाइज़र यूज़ करना हो गया या हाथ धोना हो गया, पर अपने घर पर रहकर भी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को एक नई छवि में भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए आजकल के लोग बहुत कुकिंग कर रहे हैं। कोई खाना बना रहा है तो कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है। इसी तरीके से हमें ज़रूरत है कि हमें इन्हीं चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अपना भी योगदान देना चाहिए। अपने आप को एक ऐसे वातावरण में ढालना चाहिए जिससे कि कोरोना वायरस हमें आने से पहले, दिमाग में आने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए। अपने घर में अपने परिवार लोगों के साथ में जितना हो सके टाइम स्पेंड करिए, जितना हो सके उनके साथ में घुल मिल कर खुश रखिए, और जितनी भी खबरें चल रही हैं उनसे डरने के बजाय सुरक्षित रहने की कोशिश करिए। हर जगह चेतावनी पढ़िए, लोग ऐसे बाहर निकल रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, बट मैं बताना चाहती हूँ कि आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाइए, शारीरिक रूप से आप अपने आप स्वस्थ हो जाए।